श्री राम और लक्ष्मण जी ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वे पंपा सरोवर पार कर ऋषिमुख पर्वत के समीप जा पहुंचे। तभी एक ब्राह्मण उनके समीप आया और विनम्र स्वर में उनसे पूछने लगा, आप दोनों इस क्षेत्र के रहने वाले तो नहीं दिखलाई पड़ते, क्या कहीं बाहर से आए हैं? क्यों आपको क्यों बताएं कि हम कौन हैं? आप हम सबसे ये क्यों पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता? लक्ष्मण जी ने प्रश्न के उत्तर में पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वीरवर कि हाँ सुग्रीव नाम के एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं, किंतु उनके भाई बाली ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर यहाँ पर निवास करते हैं। कहीं आप उनकी तलाश में तो नहीं आए? हाँ ब्राह्मण देवता, हमें उन्हीं से मिलना है। क्या आप हमें उनके पास पहुँचाने का रास्ता बता देंगे? श्री राम ने कहा, रास्ता क्या, हम आपको उन तक पहुँचा भी देंगे, लेकिन आपका असली परिचय जानने के बाद। तब श्री राम ने उस ब्राह्मण को अपना परिचय दिया और लक्ष्मण जी ने श्री राम के वनवास से लेकर सीता जी के अपहरण तक की सारी गाथा उन्हें सुनाने के बाद अपने मन की शंका व्यक्त करते हुए पूछा, ब्राह्मण देवता, आप जो दिखलाई दे रहे हैं वह नहीं लगते, क्योंकि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। अतः आप अपना असली परिचय दीजिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह ब्राह्मण उन दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आपने ठीक पहचाना लक्ष्मण जी, मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ और उन्हीं की आज्ञा से आप दोनों का भेद मालूम करने यहाँ आया था कि कहीं आप वाली के जासूस तो नहीं, इसलिए मुझे ब्राह्मण का रूप धरना पड़ा। इतना कहकर हनुमान ने अपना वास्तविक वानर रूप धारण कर लिया और श्री राम की वंदना करने लगे। हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव की करुण गाथा सुनाते हुए विनम्र स्वर में कहा कि श्री राम, हमारे राजा सुग्रीव भी राज्य से निष्कासित हैं। उनके बड़े भाई वाली ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया है और उनकी पत्नी को बलपूर्वक अपने महल में रख लिया है, इसलिए महाराज सुग्रीव भी आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चलो, श्री राम बोले। तब हनुमान जी ने श्री राम को ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने के दो रास्ते बतलाए, जिसमें एक रास्ता बड़ा लंबा था और दूसरा छोटा लेकिन कठिन। अतः हनुमान जी ने उन दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठा लिया और कहा, आप आश्चर्यचकित न हो भैया लक्ष्मण, मुझे यह वरदान प्राप्त है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही रूप धारण कर सकता हूं। हनुमान जी उन दोनों को कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़ने लगे। मार्ग में हनुमान जी उन दोनों को वहां के फूलों से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामी नदियों, कंदराओं, मुख्य मुख्य पर्वत शिखरों एवं सुंदर दिखाई देने वाली गहरी घाटियों को दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदर मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुलयुक्त कमलों से सुशोभित थे। कार्डव, सारस, हंस, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में किल्लोल कर रहे थे। चारों ओर हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हिरण कहीं निर्भय होकर चर रहे थे तो कहीं कहीं वे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं विशाल काय वानर दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन्हीं वानरों में एक अंगद नाम का वानर भी था जो वाली का पुत्र था। वह ऊपर हनुमान जी को उड़ते हुए देख रहा था।